हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तवा कढ़ाई। फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। आप आलू की टिक्की स्टफ्ड भी बना सकते हैं और नॉर्मल भी बना सकते हैं। आज हम नॉर्मल बनाएंगे। आप इसको चाट बना के भी खा सकते हैं और एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं। बनाने में बहुत आसान है, तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों, ये मैंने 10 मीडियम साइज के बॉयल्ड आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 बारीक हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, आधा कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम लास्ट में इसमें 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डालेंगे। दोस्तों, चावल का आटा इसलिए डालते हैं ताकि हमारी आलू की टिक्की में बाइंडिंग भी अच्छी हो जाए और चावल के आटे से बहुत क्रंची हो जाती हैं। अब हम सारे सामान को हाथ से मिक्स करेंगे। इसका मिक्सचर हाथ से अच्छा मैश हो जाता है। दोस्तों, अब हम अपने मिक्सचर को एक डो की तरह बना लेंगे। अभी देखिए, हमारा मिक्सचर तैयार है। दोस्तों, अगर आपको मिक्सचर थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा लगे तो आप उसमें थोड़ा सा चावल का आटा और मिक्स कर लें। अब हम लास्ट में इसमें आधे नींबू का रस डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू की टिक्की बनाने के लिए मिक्सचर हमारा तैयार है। अब आलू की टिक्की बनाते हैं। अब टिक्की को शेप देने से पहले हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लें और अब हम टिक्की बनाते हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा मसाला हाथ में लेंगे और इस तरह से अपनी शेप बना लेंगे। इसी तरह से अपनी सारी टिक्कियों को शेप देके एक प्लेट में रख लें। फ्रेंड्स, हाथ पे घी लगाने के इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मिक्सचर बहुत हाथ पर चिपकता है और अच्छे से शेप नहीं बन पाती है, इसलिए हाथ पर घी लगाना ज़रूरी है। अब ये देखिए, हमने सारी टिक्कियाँ शेप देके रख ली हैं। अब हम इनको सेल्फ फ्राई करेंगे। अब ये सेल्फ फ्राई करने के लिए हम एक फ्लैट तली का पैन लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए तो उसमें हम अपनी टिक्कियाँ डालेंगे और उसको मीडियम गैस पर ही रखें ताकि टिक्कियाँ जले नहीं, अच्छे से क्रंची हो जाएं। दोस्तों, टिक्कियों को काफ़ी देर तक कुक करना होता है ताकि वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं, इसलिए मीडियम गैस पर रखना ज़रूरी है। अभी देखिए, हमारी टिक्की एक तरफ से सिक चुकी हैं, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम पलट कर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से सेक लेंगे। अभी देखिए, हमारी टिक्कियाँ अच्छे से सिक चुकी हैं दोनों तरफ से। अब हम इनको निकाल लेंगे। दोस्तों, इसको डायरेक्ट प्लेट पर निकालें। टिश्यू पेपर पर निकालने से टिक्कियाँ सोगी हो जाती हैं, तो इनको डायरेक्ट प्लेट में ही रखें। अभी देखिए, हमारी आलू की टिक्की बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको गरम गरम सर्व करें चटनी या सॉस के साथ और इन्जॉय करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।